कई स्वागत है आपका अपने चैनल पैंथर 11। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसीबी लीगा के रिगार्डिंग बात करेंगे। आज जो फर्स्ट मैच खेला जाएगा एसीबी का, ये जरगोजा वर्सेस आपको बिरुगंस के साथ ये मैच खेला जाएगा। इस वीडियोस में हम एसएल और जेएल के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो ये मैच आपको 11:30 PM में ये मैच स्टार्ट होगा। सबसे पहले दोनों टीमों के स्टार्टिंग की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पर आप बिरुगंस की टीम को देख सकते हो। 10 नंबर पे स्टार्टिंग है। 13 मैचेज में 6 मैच जीत के आ रही, 7 मैच इनका लॉस रहा। सेकंड टीम यहाँ पे जरगोजा की टीम 15 नंबर पे स्टार्टिंग है, जिन्होंने 13 मैच में 3 मैच जीती हुई और 10 मैच इनका लॉस रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिरुगंस की टीम मजबूत नजर आ रही है। अब गाइस बात करते हैं लास्ट मैच की, जो दोनों टीम की बॉक्स स्कोर थी उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। बट गाइज इससे पहले आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल एसएल टीम गाइज आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बिल्कुल फ्री टीम होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्सप्लोर करके बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सभी फॉर्मेट पे आपको टीम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। गाइज बिल्कुल फ्री टीम होती है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए गाइज सर्च कर सकते हो @Panther11ABC और ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल। गाइज ये लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा, डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए। आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। बिल्कुल फ्री टीम होती है गाइज। और गाइज आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशंस भी लेके आया हो विजन 11। अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हो, क्योंकि गाइज यहाँ पे बेनिफिट्स आपको ये मिलता है कि 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्रेडिट की इशू नहीं है, लेस कंपटीशन है, लो एंट्री फी है अदर एप्लीकेशन के मुकाबले। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे विजन 11 का, जहाँ से आप गाइज डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो और अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, जरगोजा की टीम लास्ट मैच हार के आ रही है। जिस सब स्टार्ट किए थे बेहतरीन परफॉर्म इन्होंने किया। 3 पॉइंटर शूटर है, 21 पॉइंटर इनके कनेक्ट भी थे, 7 रिबाउंड्स इन्होंने कलेक्ट भी किया था, 1 असिस्ट इन्होंने पासिंग किया, 1 स्टील इनके थे। और गाइस एरिएशन की बात करें जो सेंटर से प्ले करते हैं, बेहतरीन परफॉर्मर, स्टील ब्लॉक ज़्यादा करते हुए नजर आते हैं। रिबाउंड भी इन्होंने 8 कलेक्ट किया होता, 6 पॉइंटर थे, 2 असिस्ट और 6 इनके ब्लॉक थे, 1 इनके स्टील थे। बिकोगो जो आपको सेंटर से ये भी प्ले करते, 6 पॉइंटर, 6 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 1 इनके स्टील थे। पोनीतका जो स्टार्ट किया बट कोई खास परफॉर्म इनका नहीं था, 1 पॉइंटर, 1 रिबाउंड और 1 इनके स्टील थे। बेंच से प्ले करने आए थे ओलनासो, जिन्होंने 9 पॉइंटर इनके कनेक्ट हुए थे, 3 रिबाउंड थे, 5 इनके असिस्ट थे। गाइस यहाँ पे गरीशा की बात करें 18 मिनट्स प्ले किए थे, 7 पॉइंटर, 4 रिबाउंड, 2 इनका असिस्ट थे। गाइज और बेंच से प्ले करने आते BSML, जिन्होंने 15 मिनट्स प्ले किया था, 2 पॉइंटर, 3 रिबाउंड, 2 इनके स्टील थे। गाइज और सेकंड टीम की गाइज यहाँ पे बात करते हैं तो एस बेमफॉर्ड, जिन्होंने 28 मिनट्स प्ले किया था, 15 पॉइंटर, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 2 इनके स्टील थे। ये हाफ की बात करें जो आपको सेंटर से प्ले करते हैं, 23 मिनट्स प्ले किया था, 2 पॉइंटर, 3 रिबाउंड, 5 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 1 इनके स्टील थे। गरीशा की बात करें जिन्होंने 22 मिनट्स प्ले किया था, 10 पॉइंटर, 1 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 2 इनके स्टील थे। गाइस और मोमेरी भी की बात करें जिन्होंने 21 मिनट्स प्ले किया था, 2 पॉइंटर, 4 इनके रिबाउंड थे। गाइस यहाँ पे टोनी नैजिक की बात करें जिन्होंने 20 मिनट्स प्ले किया था, 10 पॉइंटर, 1 इनके असिस्ट से बेंच से प्ले करने आते। गाइस यहाँ पे लुकोविक जिन्होंने 26 मिनट प्ले किए थे, 14 इनके पॉइंटर थे, 4 रिबाउंड्स थे। और यहाँ पे नंदेविक की बात करें जिन्होंने 14 मिनट्स ये भी प्ले करते हुए नजर आए थे, 4 पॉइंटर इनके थे, 1 इनके असिस्ट थे। गाइज यहाँ पे हॉल्स की बात करें जिन्होंने 30 मिनट्स प्ले किया था, 5 इनके रिबाउंड थे, 3 असिस्ट, 1 इनके ब्लॉक थे और 1 इनके स्टील थे। जेसस एस्टोरिगा की बात करें जिन्होंने 30 मिनट्स प्ले किया था, 16 पॉइंटर, 5 इनके रिबाउंड थे। और सेकेंड गाइज यहाँ पे स्लबडोर की बात करें जिन्होंने 12 मिनट्स में कोई खास परफॉर्म नहीं किया था, डिफेंसिव प्ले इन्होंने किया, 2 पॉइंटर, 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 इनके स्टील थे। अब गाइज बात करते हैं दोनों टीम की तरफ से आज के मैच में जिस प्लेयर्स को हम लोग एसएल और जेएल में पिक करेंगे उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट गार्ड सेक्शन से। गाइज आपको यहाँ पे बॉम्फोर्ड मिल जाएंगे, बेहतरीन ऑप्शंस आपके लिए रहने वाले। ये स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, बेहतरीन ऑप्शंस अपने टीम में ट्राई कीजिए। सी राइट की बात करें लास्ट मैच ये स्टार्ट करते हुए नजर आते हैं, अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। अगर आज के मैच में स्टार्ट करते हैं अपनी टीम में इनको ट्राई कर लीजिएगा। इस ग्रेसिया लास्ट मैच स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, अच्छे ऑप्शन है। जोनोविक आपको ये बेंच से प्ले करते हुए नजर आते हैं लास्ट मैच, और जे ग्रेसिया बेंच से प्ले करेंगे। क्रेडिट मैनेज के लिए आप अच्छे पिक हो सकते हैं, अपने टीम में चाहो तो ट्राई कर सकते हो। शूटिंग गार्ड से गाइज यहाँ पे बात करते हैं जेसब, जो आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट ऑप्शन अपने टीम में मस्ट ट्राई कीजिए। और यहाँ पे हॉल्स लास्ट मैच बेंच से बेहतरीन परफॉर्म इन्होंने किया। और नंदेविक की बात करें लास्ट मैच ये स्टार्ट करते हुए नजर आते, बट इनका कोई खास परफॉर्म नहीं रहा था। एम्पोनिका का भी कोई खास परफॉर्म नहीं रहा था, डिफेंसिंग प्ले करते हुए नजर आते लास्ट मैच। और यहाँ पे स्मॉल फॉरवर्ड से हम बात करते हैं सैंतरोस, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर स्टार्ट करते हैं तो अपने टीम में ट्राई कर लीजिएगा। और रेडोनोविक की बात करें जो ये भी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है अगर स्टार्ट करते हैं तो। कुंटेला भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर स्टार्ट करेंगे तो, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। पावरफॉर्ड से बात करते हैं यहाँ पे, यूस्टारा जो आपको बेंच से प्ले करेंगे, बेहतरीन ऑप्शन है, ये बेंच से भी ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। नेकी की बात करें, ये आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। लुकोविक की बात करें, बेंच से प्ले करते हुए नजर आएंगे। सीमेनी का अगर स्टार्ट करते हैं तो गाइज अपने टीम में सीमेनी को ट्राई कर सकते हो, जो आपको अटैकिंग प्ले करते हुए नजर आएंगे। सेंटर से गाइज यहाँ पे ई हाफ एज ए कैप्टनसी के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको रिबाउंड असिस्ट और ब्लॉक करते हुए नजर आएंगे। और मेकोगो लास्ट में स्टार्ट किए थे बट इनकी कोई खास परफॉर्म नहीं रही थी, बट गाइज अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं अगर आज के भी मैच में स्टार्ट कर देते हो। और हिलेंसन की बात करें, लास्ट मैच स्टार्ट करते हुए नजर आते, बेहतरीन था परफॉर्म इनका, रिबाउंड से ज़्यादा करते हुए नजर आए थे और पॉइंटर भी इनके कनेक्ट हुए थे। और टेगा की बात करें, टेगा आपको बेंच से प्ले करेंगे। और ब्रेजोविक की बात करें, आपको क्रेडिट मैनेज के लिए अपने टीम में वैसे इनको ट्राई कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं सेट टीम प्रीव्यू की, तो सेट टीम में आपको क्या करना है, सेंटर से आपको दो प्लेयर्स जैसे मान लें ई हाफ को अगर आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो और हिलेंसन को अपनी टीम में मस्ट पिक कर लेना। क्रेडिट की थोड़ी सी इशू होगी, अगर स्टारा अगर आज के मैच में प्ले करते हैं तो टीम में ट्राई कीजिए, अदरवाइज गाइज यहाँ पे आपको स्मॉल फॉरवर्ड से दिख जाएंगे। रेंडोविक आपको अगर आज के मैच में स्टार्ट करते हैं तो अपने टीम में इनको ट्राई कीजिए, बेस्ट ऑप्शंस हो गए। और ये सब आपके टीम में रहने वाले जो आपको बेहतरीन ऑप्शंस हो गए। हॉल्स जो बेंच से ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, पेम्फर्ट ये आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। अब गाइज यहाँ पे आपके पास 5.5 क्रेडिट बनती है, अगर आप चाहो तो पॉइंट गार्ड सेक्शन से ग्रेशिया दिखेंगे, ग्रेशिया को पिक कर सकते हो, या शूटिंग गार्ड से अगर आपके टीम में जो क्रेडिट मैनेज होगा उसको ट्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ब्रेजविक को नहीं लेकर के आप पॉइंट गार्ड सेक्शन से ग्रेशिया के ही साथ चले जाइए, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। वैसे गाइज ये हमारी सेट टीम रहेगी, तो आप यहाँ पे ई हाफ को एज ए एसपी ट्राई कीजिए और यहाँ पे पीपी आप इनके बॉम्बफाट के साथ जा सकते हो, जो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। वैसे गाइज ये हमारी, या आप यहाँ पे पीपी इनके जेशॉप के बीच साथ जा सकते हो, जो आपको अटैकिंग प्ले करते हुए न जाएंगे। ये सेकेंड ऑप्शन रहेंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए पीपी के लिए रहेंगे। वैसे गाइज ये हमारी सेट टीम रहेगी, सेट करके रखिए। बाकी जो है फाइनल टीम के लिए गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे फाइनल एसएल टीम आने वाली है या मैसेज रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा या कमेंट सेक्शन में। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर लीजिए। और गाइज आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप योर सपोर्ट विद पैंथर 11।